तैयारी जो है वो ख़त्म हो गई है, नमाज सब ख़त्म हो चुकी है। अभी घर पे मैदा जो है वो हो चुका था, तो उस वजह से अभी मैं इस बॉक्स में जो है मैदा फिल करके रखूँगी। मैं 1 कप मैदा, 1 गिलास मैदा, 1 गिलास नॉर्मल आटा, गेहूँ, मरकिन, मेरा बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो 1 गिलास वो 1 गिलास हमेशा मिक्स करके मैं ऐसे आटा गूंथती हूँ, हाफ हाफ। तो मैं गेहूँ और मरकिन यानी कि दोनों आटे में मिक्स कर देती हूँ, मैदा और गेहूँ जो भी बोलते हैं। तो भी चलो ये फिल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चावल जो है वो फिल करके रख दिया। ये तब तक यही आ गया मुझे सताने के लिए, व्हाट हैपेंड, व्हाट यू वांट, कम आई गिव यू। इसमें हमेशा चॉकलेट्स पड़े रहते हैं यहाँ के जो है वो रखे जाते हैं। या दिस इज योर चॉकलेट, टेक। मैदा जो है वो फिल हो चुका है, अभी बारी आती है आटा गूंदने की। जैसे कि मैंने कहा, इस ग्लास से मैं मेजर कर लेती हूँ और मैं फिल कर लेती हूँ और मैं आटा गूंदना स्टार्ट कर लेती हूँ। मतलब ये 1 ग्लास और नॉर्मल आटा 1 ग्लास। जैसे कि मैंने कहा, 1 ग्लास मैं झल्डी में डाल दूंगी, दूसरा ग्लास जो है वो दूसरा आटा है, गेहूँ वाला आटा। तो इस तरह से मैं दोनों मिक्स करके और इसको मैं झल्डी कर लूँगी। डब्बा फिल किया था यार, अभी हो गया है हमारा दूसरा वाला आटा जो कि मैं बोल रही थी गेहूं वाला, तो उसका भी मेरे को नया पैकेट ओपन करके फिल करना पड़ेगा उसका डिब्बा। पहले उसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी और फिर फिल करूँगी, तब तक के लिए गूंद लेती हूँ। एंड आजकल हमारे यहाँ रोटी रोज़ ही खा रहे हैं सहरी पे, तो रोटी मैंडेटरी हो गई है, तो एवरीडे सहरी पे रोटी चाहिए, तो उस वजह से आटा काफ़ी जल्दी हमारा ख़त्म हो रहा है। मेरा सहरी वाला कम आटे का जो डो है वो भी मैंने गूंद के रख दिया है। अभी हम सिर्फ रोटी बनाएंगे सहरी में। ऑलरेडी सब्जी और साला है हमारे पास, तो फिलहाल उसी से काम चल जाएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू तबस्सुम का चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी फजर का टाइम है, सहरी हमने सक्सेसफुली हमारी हो गई है, और अभी फजर की नमाज जो है वो अभी अभी मैंने कंप्लीट की है, और सबके लिए मैंने दुआ की है। मेरी यही कोशिश है कि मैं जितने भी लोग आसपास हैं मैं सबके लिए दुआ करूं, और आप भी हमारे लिए दुआ ही करें। और बस आज का डे अभी स्टार्ट हुआ है, आज संडे है, तो देखते हैं आज जो भी डेली नॉर्मल रूटीन होती है वो मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ी थोड़ी शेयर कर सकूं आप सबके साथ। तो चलिए अभी कुरान की तिलावत करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो गाइस, फजर की नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद सुबह ही हो जाती है, ऑलमोस्ट 6:30 बजे सुबह का उजाला होने लग जाता है। जब मैं बाहर आती हूँ थोड़ा मुझे फ्रेश लगता है। जो है वो नमाज़ के लिए रेडी हो गया है, ये देखो टोपी, इसका जहर की नमाज़ के लिए हमेशा ऐसे ही रेडी हो जाता है। या नो 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 सी हियर नो इंतज़ार कर रहा है उनके पापा का, साथ नमाज जाने के लिए रेडी होके बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत खैरियत, सीधे सीधे हाथ से दो। इसकी टोपी जो है वो चेंज कर दी, अभी देखो इसको कितना प्यारा लग रहा है। बाय याहिया, यू गोइंग टू अलेला नमाज। चलो अभी डिनर की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने चावल रखे हैं, यहाँ सालन जो है वो बन चुका है, और अब यहाँ पे जो है वो नमक ख़त्म हो चुका है। हम ज़्यादातर ये पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो इसको मैं इस डिब्बे में फिल करूँगी जल्दी से। आधे डिब्बे के आसपास आए हैं, चल जाएगा 1-2 महीने तक आराम से। जैसे अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो सारा राशन भी ख़त्म होते आ रहा है, बिकॉज हमने पर्टिकुलरली रमज़ान के लिए कुछ अलग से नहीं लिया था, उससे पहले 1 वीक पहले ही हम लेके आ गए थे। तो भी जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही है उसको मैं फिल करके रख रही हूँ। साथ साथ हमारा सालन जो है वो यहाँ पर रेडी है, बस इसको थोड़ा सा टिक कर लूँगी ताकि खाने में अच्छा लगे। जब भी ग्रीन फल बनाने जाते हैं तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी ग्रीन चिलीज भी डाला था, अभी थोड़ा सा पेपर डालूँगी क्योंकि इसमें स्पाइसी
थोड़ा कम है ये, इतना तीखा नहीं है। तो ये और इसके साथ नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डालूंगी मैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ पकोड़ा, प्याज के पकोड़े विथ कैप्सिकम, आज की स्पेशल रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले ऑलरेडी रखे हैं, जो कि मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या रेडी किया है। ये है हरा धनिया, कोरिएंडर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, नमक जो कि पिंक सॉल्ट है, लाल मिर्च एंड गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी कलर आने के लिए, फ्लेवर के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी है। अनियन जो है वो यहाँ पे रेडी है, कट चॉप्ड करके, स्लाइसेस करके मैंने रख लिए हैं। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे। एक्स्ट्रा क्या ऐड करना वो भी बताऊँगी। बज्जी फ्लोर कुछ ऐसा रेडीमेड एक पैकेट लिया है मैंने, तब इसको ओपन करूँगी। इसके 2 से 3 टीस्पून में उसमें मिक्स करूँगी। ये जो आटा, चने चने का आटा जैसा कुछ है ये, तो ये रेडीमेड पैकेट मैंने मंगाया है। आटा जो है वो इसमें मैं फिल कर दूँगी इस डिब्बे में, और इस हिसाब से मुझे जब चाहिए तब मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये लो, मैंने फिल कर दिया। और इसमें मैं ये वाला स्पून डालूँगी, जिससे मैं मेजर करके क्वांटिटी के हिसाब से ले सकती हूँ। आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, 2 टीस्पून मैंने इसके हिसाब से डाला है। अभी बारी आती है इन सारी चीज़ों को मिक्स करने की, धीरे धीरे से। ओके, मैं एक एक करके इसमें सारे मसाले डालूंगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इसमें करी लीव्स डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो मैंने बताया नहीं था रेसिपी स्टार्ट जब मैंने किया था, मैंने लास्ट में ऐड किया। यहाँ पे आप देख सकते हो करी लीव्स, और यहाँ पे कैप्सिकम भी ऐड किया। इस बार थोड़ा अलग फ्लेवर आने के लिए मैंने प्याज पकोड़ा विद कैप्सिकम मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, बिकॉज़ पहले तो नॉर्मली प्याज के बनाए थे मैंने। इस बार थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आने के लिए ट्राई कर रही हूँ, अलग कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ इसको हम हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। आई थिंक पानी की थोड़ी सी ज़रूरत लगेगी, इसको तीखी रहने देंगे, ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, बहुत कम पानी मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस आटा जो है वो कम पड़ गया था, इसलिए मैंने और 2 स्पून ऐड कर लिए, और थोड़ा थोड़ा करके अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करके। उसके बाद देखेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी आती है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ये रेडी करके रखा है। ऑयल गरम करेंगे और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके पकने के लिए छोड़ेंगे। फिलहाल थोड़े टाइम के लिए रख देती हूँ। एनीवेज मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि प्याज ऑलरेडी इसमें पानी छोड़ते हैं, क्या पता, मुझे पता नहीं। मैंने सोचा कि तीखी रहे। एंड दूसरी चीज़ है टेस्ट। मैंने फिर से मुझे लगा कि इसमें ऐसे मतलब नमक कम है और सॉल्ट कम है, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, सॉल्ट और मिर्च कम है। तो मैंने इसको फिर से ऐड किया, बिकॉज़ मैं हमेशा अंदाजे से करती हूँ, तो इस क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा कम ही लगा, एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने थोड़ा थोड़ा करके। तो गाइस, यहाँ हो गए हैं पकोड़े तैयार। कैप्सिकम पकोड़ा जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, वैसे मैंने पकोड़ा फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे टेस्टी थे। और यहाँ मैं पैक कर रही थी, ये हम इफ्तार के लिए हमारी मदर इन लॉ के घर जा रहे थे, तो वहीं पे सब लोग रोज़ा खोलेंगे। शाम में जब वापस आ रहे थे तो चांद इतना प्यारा लग रहा था, बस उसी को देख रहे थे। और वापस आने के बाद यहाँ पे वाटरमेलन खाने का मन था, तो वही खा रहे हैं। तो गाइज़, इसी के साथ साथ आज का जो ब्लॉग है मैं वो यहीं एंड करती हूँ। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।